बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बस्ती और गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। बस्ती और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले, गोरखपुर में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर एनएक्सी भवन में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 सीट जीतने का टास्क देंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सुबह 11:45 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बस्ती के बाद जेपी नड्डा शाम 4:45 पर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष का आज गोरखपुर बस्ती दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम है और सुबह 11:45 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12 जिलों के पार्टी पदाधिकारी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की सीटें जीतने का टास्क जो है देंगे जेपी नड्डा। और बताया जा रहा है कि 4:45 पर विकसित संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेंद्र चौधरी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बताते चले आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा उनका हर लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 11:45 पर बताया जा रहा है कि वो गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। रामगोपाल, जरा बताइए जरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 11:45 पर गोरखपुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 11:45 वो गोरखपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे बस्ती चले जाएंगे। बस्ती में वो खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सांसद खेल महोत्सव का आज शुभारंभ होना है, तो उसमें जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और उस कार्यक्रम के बाद वो लोग गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर के एनएक्सी भवन में आज मिशन 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गोरखपुर क्षेत्र की होगी। गोरखपुर क्षेत्र में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 लोकसभा सीटों में आजमगढ़, घोसी और लालगंज भी आती है, जो बीजेपी की अपेक्षाकृत बेहद कठिन सीटें मानी जाती है। आजमगढ़ पे परंपरागत रूप से सपा का कब्जा रहा है, चुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमाया था, तो इन 13 सीटों पे विजय श्री हासिल करने की एक रणनीति भी आज गोरखपुर में बनेगी। और इस तरीके से जो मिशन 24 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उसका गोरखपुर क्षेत्र से आज शुरुआत होने जा रही है और ये बैठक 3 बजे के करीब एनएक्सी भवन में शुरू होगी और 3 बजे से यह बैठक होगी। इस बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे, साथ ही जो जिले हैं उन जिले बिल्कुल के रामगोपाल की दौरा काफी अहम है, चाहे बात गोरखपुर की करें या फिर बस्ती की करें, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज करेंगे। बस्ती में शुरू हो रहे सांसद खेल महाकुंभ में गांव से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मंच मिलेगा। जेपी नड्डा दोपहर 12:35 पर शहीद सत्यवान स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है और इसके बाद जेपी नड्डा बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती के दौरे पर रहेंगे, खेल महाकुंभ में शामिल होंगे, सांसद खेल महाकुंभ का आगाज करेंगे जेपी नड्डा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रहेगी और बताया जा रहा है कि बस्ती दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और सहयोगी रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। रहमान सर, बताइए बीजेपी अध्यक्ष की अगर बात करें तो कब तक वो बस्ती पहुंचेंगे और क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ का आज से आगाज होगा, जिसका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचेंगे।
तो ये पूरा खेल महाकुंभ जो एक महीने से चल रहा था, ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को चयनित किया गया है, एक महीने के अंदर जो सिलेक्ट होकर आए हैं यहाँ जिले लेवल पर उनका खेल शुरू होगा जो 10 दिन तक चलेगा। इसके बाद जो खिलाड़ी है उनका जो चयन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया जाएगा। तो जेपी नड्डा जो है दिन में 10:30 बजे का प्रोग्राम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 12:20 पर यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद खेल महाकुंभ का आगाज किया जाएगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। इसके अलावा जो शहीद सत्यवान स्टेडियम है उसको उसमें सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। जैसे ही राष्ट्रीय बिल्कुल रहमान, और ये बस्ती दौरा काफी अहम माना जा रहा है, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए हैं। सीआरपीसी आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता बिल जो है 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए। तो लोकसभा में न्याय संहिता बिल पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया, और इसके साथ बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो बिल पेश किया गया उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया।